यूकेएसएसएससी और विधानसभा में बैकडोर से की गई भर्ती घोटाले को लेकर ग्वाचर में युवाओं ने रामलीला में पलसारी आम तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। बता दें युवाओं ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा घोटाले में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए, साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद थे। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में उपरोक्त भर्ती घोटाले की जांच की जानी चाहिए ताकि भर्तियों की निष्पक्ष जांच हो सके। भर्ती घोटाले को लेकर जिले भर में जगह जगह युवा लगातार रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। पूरा जीवन खराब हो चुका है, कुछ कुछ तो ओवर हो चुकी है। और सिलोड़ा जी हमारे बीच में है, 115 साल छात्र, आप भी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। मुकेश सिलोड़ा जी किस प्रकार से अग्निवीर भर्ती में हमारे बच्चों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर लगातार युवा उबाल में है, गुस्से में है, उसका गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में परसों करंपिया के अंदर युवाओं ने प्रदर्शन किया, कल गैरसैंण के अंदर किया, आज गौचर नगर में इन युवा साथियों ने अपना प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से सब युवाओं की एक ही मांग है कि उनके भविष्य के साथ सरकार कुठाराघात न करे, और एक मांग को लेकर के कि सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण की हो जो यूके ट्रिपल एससी घोटाला हुआ है।